ये चुनाव के दृष्टिगत जो अतीत वाली घटना हुई और उनके और भी परिवार की हो रही, क्या ये चुनाव का ही स्टंट है सरकार का? देखिए, अतीक वैसे अतीक के बारे में तो जानते ही हो, बहुत बहुत बातें हैं। आप लोग भी कभी कभी इस तरीके की बातें, पहले तो ये 89 में निर्दलीय विधायक हुए थे, 92 में भी निर्दलीय हुए थे, 96 में भी निर्दलीय विधायक हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार समाजवादी पार्टी से भी विधायक हुए, एमपी हुए। और जब कोई देखिए घटना इन्होंने जब हुई तो इनको FIR हुई तो उनको समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो अदालतों ने भी कई बार इनके जो भी थी अदालतें ने भी संज्ञान में लिया है, सजाएं भी। अगर कहीं पर भी हत्या भी थी उमेश पाल की, तो पूरी तरह से गिरफ्तार करना चाहिए था और घटना होनी भी नहीं चाहिए था। जब गना था, सब सुविधाएं थी, तो पूरी तरह से देखिए लाइन ऑर्डर इनका फेल, इंटेलिजेंस फेल। अगर क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्यों घटना हो रही? और उसी तरीके से देखिए अतीक और इनके जो वैसे ठीक है जेल में थे, जेल से बाहर आए, पुलिस संरक्षण में थी, पुलिस संरक्षण में थे, और वो ऐसी घटनाएं हो जाए तो इनका तो फिर लाइन ऑर्डर कहाँ बढ़ सकता? इंटेलिजेंस फेल, लाइन ऑर्डर फेल, तो पूरी तरह से सरकार की देखिए विफलता अदालतों का, तो काम कहाँ बचा? फिर क्या जरूरत है अगर कानून और ये सब? तो पूरी तरह से देखिए सरकार का फेले अनुसार।